प्लीज़ एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल माई किचन टेस्टी डिशेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकॉन है इसको प्रेस कीजिए ताकि नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे बने बिल्कुल। आप प्लेट में थोड़ा लाइट कलर के दिख रहे हैं लेकिन वाइट है ये प्लेट में ऐसा नज़र आ रहा है। देखिए वाइट कलर के बने सारे मुड़कुल और माशाल्लाह बहुत अच्छे बने। मैं जो मेजरमेंट बोली आपको सोडे का जिसका बोली सेम वैसे डाल के बना बहुत अच्छे। देखिए वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। आज मैं चावल के बढ़िया बताने जा रही हूँ। बहुत दिन से सब्सक्राइबर्स की बहुत सारे सब्सक्राइबर की ख्वाहिश थी कि ये रेसिपी बताओ। मैं गर्मा का इंतज़ार कर रही थी गर्मा शुरू हो गया। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं चावल के बढ़ियों के लिए मैं ली हूँ 1 किलो चावल। 1 किलो चावल को कम से कम वॉश करके 15 से 18 घंटे के लिए भिगाने छोड़ देना। जितना भिगाएंगे हम मुरकुल हमारे बढ़िया उतने अच्छे बनेंगे। तो मैं 15-16 घंटे भिगाती या 18 घंटे भी आप भिगा सकते ख़राब नहीं होते इससे ज़्यादा नहीं। चलिए मेरे चावल जो भिगे हुए हैं 1 किलो है और पानी का अधन लेते इसके लिए इसको ग्राइंड कर लेना है। इसको दोशे के बैटर की तरह ग्राइंड कर लेंगे और पानी का अधन पानी इसमें पकाने के लिए 3 गुना लेना। चावल 1 किलो है और मेजरमेंट से मेरे पास और 1 किलो मेरे पास 1 गिलास का मेजरमेंट करी तो मैं 6 गिलास चावल हुए तो मैं डालूँगी 9 गिलास पानी डालूँगी। और इसके लिए मैं ली हूँ 1 टेबल स्पून ज़ीरा, इसको रोस्ट नहीं करना कच्चा डालना, और 2 टेबल स्पून तिल और नमक तो चख के टेस्ट करके डालना है, और ये 1/4 चम्मच चाय के चम्मच से खाने का सोडा है 1/4 और अदरक लहसुन। बहुत सारे लोग अदरक लहसुन नहीं डालते मुरकुलों में लेकिन हम लोग डालते, इससे अच्छा मज़ा आता टेस्ट अच्छा आता। और तिल से क्या होता तेल मुरकुल तेल अब्जर्व नहीं करते कम लगता तेल फ्राई करने के लिए। और तिल को मैं रोस्ट नहीं करी और ज़ीरे को मैं रोस्ट नहीं करी ये कच्चा ही मज़ेदार होता। और चाहे तो आप तिल की जगह तिल तो लेना ज़रूरी है, आप चाहे तो 1 या 2 टेबल स्पून अजवाइन भी डाल सकते ज़ीरे के साथ, अजवाइन के भी बहुत अच्छा है मज़ेदार होते। चावल को ग्राइंड करना शुरू कर देंगे। चावल ग्राइंड करने से पहले मैं चूल्हे पे पानी रख दी और पानी में हम डालेंगे नमक और खाने का सोडा, नमक 1 टेबल स्पून बाद में टेस्ट करके कम है तो डाल सकते, और ये 1/4 चम्मच चाय के चम्मच से 1/4 चम्मच सोडा और ज़्यादा नहीं डालना सोडा मुरकुल ख़राब हो जाते। अब ये पानी रख देंगे बॉईल के लिए, जब तक पानी गर्म हो जाता वहाँ पर हम दोशे चावल को ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड हो गया और चावल जो अपन जो ग्राइंडर में ग्राइंड कर रहे हैं घट घट पीसना, अगर पतला हो गया थोड़ा तो अदहन में पानी थोड़ा कम कर लेना। चलिए अदहन तैयार हो गया, अब इसमें डालेंगे तिल और अदरक लहसुन ज़ीरा। अब ये डालने के बाद तो जो बॉईल था पानी में रुक गया था बॉईल शुरू होने के बाद बैटर डालेंगे चावल का। चलिए पानी में अच्छे से बॉईल शुरू हो गया बैटर डालेंगे, एक हाथ से बैटर डालते जाएंगे और एक हाथ से हिलाते जाएंगे नहीं तो बहुत जल्दी इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। इधर एक हाथ से बैटर तेज़ी से और एक हाथ से मिलाते जाएंगे तेज़ी से। चलिए ये मैं डाल दिया और टाइट हो गया है,
इसको धीमा कर देना, अगर धीमा नहीं करे तो छींटे तेज़ी से उछलते, इसको केयरफुल पकाना। अब ये धीमा करने के बाद 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक इसको मिलाते जाएंगे। ये जो मोटे मोटे आपको दिख रहे हैं पूरा लिक्विड पूरा ये डिजॉल्व हो जाना, ये इसके गुटिया इसको ऐसा मिलाते हुए पकाते जाएंगे। चलिए मैं 5 से 7 मिनट धीमी आंच पे अच्छे से पका लिया और फ्लेम को अब बंद कर दी। अब इसको ढाप देंगे, ढाप के एक 15 मिनट्स का वेट करेंगे। 15 मिनट्स तक इसको दम पे रखेंगे ढाप के, फ्लेम बंद करके ढाप के रखिए। और 15 मिनट हो गए, अभी इसको खुले बर्तन में डालेंगे। ये बहुत गर्म रहता है, ज़रा थोड़ा ठंडा होना, ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना, थोड़ा कुनकुना रहता ना, हल्का हल्का गर्म जब बनाना शुरू करना। थोड़े खुले बर्तन में डाल के थोड़ी देर छोड़ देंगे। चमचे की मदद से मैं पॉलीथीन में भर ली, और ये बड़ी पॉलीथीन है दूध की 1 लीटर की। पॉलीथीन से इसमें ज़्यादा कैपेसिटी रहती, सांचे भी मिलते इसके, लेकिन इसमें ज़्यादा कैपेसिटी रहती। और इसका होल बनाएंगे मीडियम साइज का, खैंची से। चलिए मैं होल कर ली और इसको दबाते हुए डालते जाएंगे। ये मोटे दिख रहे हैं लेकिन सूखने के बाद पतले हो जाते हैं। ये अपने हिसाब से आप जैसा चाह रहे वैसा इसके होल पर डिपेंड करता है, जैसा चाह रहे वैसा उसका होल कट करना। बारीक है तो बारीक, थोड़े मोटे होना है, मीडियम होना है तो आप कर ले सकते हैं। ज़रा हम इसी तरह हमें सारे डाल लें। धूप में सारा दिन, शाम तक मैं धूप में रखी और अच्छे से सूख गए और आसानी से निकल जा रहे हैं। और इसको खाली ऐसा खींचते कि निकल जा रहे हैं। पानी में मार के निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसा खींचते ही निकल जा रहे हैं। नीचे से हाथ रखना और उसको पुश करना, ऊपर की तरफ करना और इसको खींच लेना। ये मुरकुल सिर्फ ये 1 दिन की धूप में सूखे, इसको 3 दिन कम से कम सुखाना, 3 दिन की धूप में सुखाना, साल डेढ़ साल आराम से रख के आप खा सकते हैं। इसी तरह हम पूरे निकाल लेंगे। सारे में मुरकुल निकाले कपड़े पे से। चलिए फ्राई करके देखेंगे अब। चलिए मैं ऑयल अच्छा डाल ली, डीप फ्राई करके निकालना है। और ऑयल गर्म होना लेकिन ओवर कुक नहीं होना। तेल अच्छा गर्म होने के बाद धीमा भी कर दे सकते हैं, धीमा करके फ्राई कर लेना, कंटिन्यू गर्म पे नहीं रखना। देखिए माशाल्लाह अच्छे फूल रहे हैं और अच्छे बन रहे हैं। तेल अच्छा गर्म होने पर डाल देना और फिर तलते वक्त धीमा कर लेना फ्लेम को। चलिए मेरे मुरकुलों की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। बहुत दिन से सब्सक्राइबर्स की ख्वाहिश थी ये रेसिपी बताओ। देखिए ये बहुत अच्छे है। और ये खिचड़ी खट्टा खीमा जब बनाते हैं उसके साथ ये फ्राई करके रखना, या दाल चावल के साथ भी बना सकते हैं आप, जैसा चाहे आप बना सकते हैं। और बच्चों को स्नैक्स के साथ फ्राई करके भी आप दे सकते हैं। और बहुत साफ़ सुथरे तरीके से और बहुत अच्छे घर में बने और गर्मा में बहुत आसानी से बन जाते। और मैं इसका एक आपको टिप देना चाह रही हूँ, अगर आप सुबह सुबह बना के नहीं डाल सक रहे, मुश्किल हो रही, तो आप शाम में भी चावल का आटा पका के घर में बेडशीट पे डाल देना। ये अप्रैल और मई की गर्मी ज़्यादा रहती है, शाम में सुबह तक स्टिक हो जाते मुरकुल जो कच्चे रात में डालते, सुबह तक बेडशीट पर स्टिक हो जाते, चिपक जाते। वो पकड़ के ले जाके आप चांदी पर बेडशीट रख दे सकते। सुबह सुबह बनाने तक धूप तेज़ हो जाती, मुश्किल हो रही, तो आप ऐसा भी कर सकते, सुबह ले जाके
टेरेस पे आप बेडशीट रख देना, शाम तक सूख जाती, कम से कम 3 दिन की धूप लगाना। और जो बेडशीट पे स्टिक होते मैं जो निकाली वैसा निकाल के आप खुला सुखा लेना धूप में कम से कम 3 दिन, 2 साल, साल 2 साल तक तो आराम से रहते, कुछ भी ख़राब ना होते। चलिए मेरी मुरकुल की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है, आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।